पंजाब में कांग्रेस में चल रहा अंतर विरोध जारी। कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय में बुलाई सभी विधायकों की बैठक। कैप्टन अमरिंदर की बड़ी मुश्किलें। चित्रकूट में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शिक्षा का मंदिर। अधर में पड़ा राजकीय बालिका विद्यालय का काम। करोड़ रुपए खर्च पर भी नहीं हुआ निर्माण कार्य पूरा। फर्रुखाबाद में मुसीबत का सबब बना रेलवे अंडरपास। अंडरपास के नीचे से निकली फोर व्हीलर गाड़ी पानी में डूबी। ड्राइवर और सवारियों ने गाड़ी से बाहर निकलकर बचाई जान। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियार और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में की गई प्रेस वार्ता में केंद्र पर साधा गया जमकर निशाना। बेरोजगारों के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुई चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को सचिवों के साथ होने वाली बैठक शाम में होगी। हालांकि बैठक किन मुद्दों पर बुलाई गई है इस पर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीवन यापन में आए बदलाव और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बीते दिनों पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक की थी। सूत्रों की माने तो सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी 1-to-1 करने वाले हैं। आने वाले समय में मंत्रिपरिषद की ऐसी 4 बैठकें और होने वाली संभावना है। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि मंत्री एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हमेशा करें, इससे देश का विकास होगा। आपस का जो मतभेद है वो भी खत्म होगा और इसके अलावा विकास की गति भी आगे बढ़ेगी। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उठे बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर आज पंजाब के सभी विधायकों की बैठक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है। बैठक शाम को 5 बजे होगी। पंजाब के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बैठक की जानकारी ट्वीट कर दी। पंजाब में अभी तक विधायकों की सभी बैठकें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई हैं। अब जिस तरह नेतृत्व ने विधायकों की बैठक कांग्रेस कार्यालय में बुलाने को कहा है, इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में कैप्टन और सिद्धू विधायकों के समर्थन को लेकर अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लामबद्ध हो रहे कई विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की थी कि पंजाब विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, जिसमें विधायकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके। इन विधायकों ने सोनिया गांधी को इस बारे में एक लेटर भी दिया था, जिसमें कैप्टन के कामकाज पर उंगली उठाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए 2 पर्यवेक्षकों को चंडीगढ़ भेजने की मांग भी हाईकमान से उठाई गई थी। यानी कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब में जो कांग्रेस में अंतर कलह है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस खाई को और ज्यादा गहरा करने का काम नवजोत सिंह सिद्धू करते हुए नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मुख्यमंत्री के पद पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार बरकरार हैं, लेकिन कैप्टन के खिलाफ जो बगावती सुर हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके विधायकों के, वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में हैं, कई विधायक कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं। ऐसे में बात की जाए इस पूरी मीटिंग की, तो इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं गर्म हैं कि मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कैप्टन अमरिंदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी मुंबई के धरावी इलाके का रहने वाला है। दिल्ली स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेन समेत देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि रेलवे पुलिस यानी कि GRP को एजेंसियों से संभावित आतंकी हमले की जानकारी मिली थी। अब खुफिया एजेंसियों ने GRP को आगाह किया है कि आतंकी ट्रेन में
गैस अटैक या फिर प्लेटफॉर्म पर होने वाले यात्रियों की भीड़ को गाड़ी से रौंद सकते हैं। सूत्रों की माने तो आतंकियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल को मिली जानकारी के अलावा जीआरपी को इस तरह के कई अलर्ट कई एजेंसियों से मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें समय समय पर इस तरह के अलर्ट मिला करते हैं, खासकर लोकल ट्रेन के लिए, और अब हम हर एक अलर्ट को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम उस तरह के कदम भी उठाते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद जीआरपी ने मुंबई के सभी बड़े रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी और कुछ एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। ऐसे में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, यहाँ पर हाई अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई पर अब भी आतंकी साया जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गैस अटैक और यात्रियों पर हमला कर सकते हैं आतंकी, तो ऐसे में पूरी तरह से अलर्टनेस देखी जा रही है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि मुंबई लोकल हो गई, बाजार हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, इसके अलावा बस स्टॉप हो गए, यहाँ पर सघन चेकिंग की जा रही है। ड्रग स्क्वाड की जो टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे की चेकिंग की जा रही है। कुछ एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पुलिस बल तैनात है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। जो समुद्री इलाका है वहां पर भी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जानकारी मिली है कि पाक अपने आतंकियों को समुद्र के रास्ते मुंबई भेज सकता है। आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने खूब वादे किए। गौशालाओं के लिए फंड जारी किया गया, कई गौशालाओं को निर्माण भी कराया गया, लेकिन यहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। हैरानी की बात तो यह है कि गौशालाओं में 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो जाने के बाद भी प्रशासन मौन है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के विकास खंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र के हसनपुर गौशाला का है। यहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा गायों की एक दिन में मौत बताई जा रही है। यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो गाय के नाम पर खूब राजनीति की गई। गौहत्या रोकने से शुरू हुई बात और भक्ति की सच्चाई उस समय सामने आने लगी जब कुछ ही महीनों के बाद लोग आवारा पशुओं को घर छोड़ना शुरू कर दिया। किसानों के खेतों में जानवरों की बाढ़ सी आ गई। एक एक गांव में सैकड़ों आवारा पशु लोगों की फसलों को बर्बाद करने लगे। किसानों ने खुलेआम सरकार का विरोध किया तो सरकार ने यूपी के सभी जिलों में गौशाला निर्माण कराने का फैसला लिया। इसके लिए बजट भी आया है। बाराबंकी जिले में भी कई गौ आश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन ये गौशालाएं दुर्व्यवस्था का शिकार हो गई। यहाँ ना तो पशुओं को चारा समय से दिया जाता है और ना ही पानी, जिसके कारण आज विकासखंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र में हसनपुर गौ आश्रय स्थल पर 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और कई पशु बीमार हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाराबंकी से। रविंद्र, बाराबंकी में लगातार एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गौवंशों की जान जा रही है और उनके जो शव हैं वो भी खुले में यूं ही पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई संक्रमण फैल रहे हैं। काजोल, देखिए, तहसील हैदरगढ़ का जो हसनपुर गौशाला है वहां से एक वायरल वीडियो हुआ जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस वायरल वीडियो में जो वीडियो बना रहा है उसमें लगातार वो मृत पड़ी जो गाय है गौशाला में उसकी लगातार वो गिनती कर रहा है और गिनती में 24 गायों की मौतों की पुष्टि हो रही है इस वायरल वीडियो में। जब इस पर न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने तहसील हैदरगढ़ की जो SDM है शालिनी प्रभाकर से बात की तो उन्होंने यहाँ पर इस वायरल वीडियो को असत्य बताया है और 8 गाय मरी होने की यहाँ पर पुष्टि की है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये वीडियो उसी दिन का है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो गांव के अगल बगल के रहने वाले लोग हैं उनसे जब न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने की आज बताया है कि ये आधी का वीडियो है और यहाँ सुबह से ही कर्मचारी लगे हुए हैं गायों का यहाँ पर। रविंद्र, वीडियो बताया जा रहा है कि काफी पुराना है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि ये वीडियो पुराना नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीरें अभी की हैं, क्योंकि जो गौशालाएं हैं उनमें पानी भरा है, फिलहाल बरसात का मौसम है। इसके अलावा वहां के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि गायों के संरक्षण के लिए बजट तक पास हो रहे हैं और ऐसे में गौ हत्या और गायों की मौत हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है जिसकी वजह से गाय भूख प्यास के बिना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है।
देखिए काजोल, जो ऐसी तस्वीर किसी भी गौशाला से निकलकर सामने आती है तब वो अधिकारी, जो क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, जो संबंधित उस गौशाला के अधिकारी होते हैं, तब वो चेतते हैं, तब वो उनके कान में जूं रेंगती है, उसके बाद वो कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं लगातार। लेकिन इन गौशालाओं का यही हाल होता है, ना वहाँ पर पानी समय से दिया जाता है, ना चारा पहुँचाया जाता है, ना ही वहाँ उचित व्यवस्था कराई जाती है। मीडिया कर्मी जब खबर करने के लिए जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, वीडियो बनाने से रोका जाता है, उनके साथ कभी कभी मारपीट भी की जाती है, और कोई कोई गौशाला में तो घुसने ही नहीं दिया जाता है। रविंद्र, अगर मीडिया कर्मियों को धमकाया जाएगा तो क्या मीडिया कर्मी सच दिखाना बंद कर देंगे? जी बिल्कुल काजोल, यहाँ पर ये सच ही मीडिया दिखा रही है। न्यूज ऑफ इंडिया जो है बाराबंकी जिले के गौशाला का सच दिखा रही है। न्यूज ऑफ इंडिया टीम डरने वाली नहीं है, जो भी हकीकत सामने आई है इस वायरल वीडियो की, न्यूज ऑफ इंडिया ने गहन जानकारी की है, क्षेत्र के लोगों से पूछा है, कर्मचारियों से पूछा है, SDM तक की न्यूज ऑफ इंडिया की टीम ने बात की है। यहाँ पर ये वीडियो कल का ही है, और कल ही जो ये भारी बारिश के चलते वहाँ व्यवस्थाएं हुई और काफी बीमार गायें थी, वहाँ पर ना डॉक्टर की टीम पहुंची ना अन्य सुविधाएं पहुंची, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 गायों की इस गौशाला में मौत हुई। इंडिया ना पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है, सिर्फ निष्पक्ष है। तो ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार ऐसी खबरों को दिखाता रहेगा, क्योंकि हकीकत जानना जरूरी है, क्योंकि गायों पर राजनीति बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। 2017 में भी बीजेपी ने खूब राजनीति करी और इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया और कहा था कि गौ हत्या लगातार बढ़ रही है, पिछली सरकारों में गायों के लिए या गौवंशों के लिए कोई काम नहीं किया गया, हम गौवंशों के लिए काम करेंगे, हम गौशालाएं खोलेंगे, गायों के लिए अलग से बजट भी आएगा, जो कि आया। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या चीजें सही हुई रविंद्र? देखिए काजोल, यहाँ पर बता दूं जो है लगातार बंदर बांट किया जाता है, जो बजट भारी भरकम एक बजट आता है, यहाँ 100 जानवर होते हैं, 150 जानवर होते हैं, उनके लिए भारी भरकम बजट आता है। लेकिन जो अधिकारी हैं, गाय है, किसी से कहने नहीं जाएंगे, जानवर है किसी से बताने नहीं जाएंगे, तो इन बातों को लेकर यहाँ बंदरबांट कर लिया जाता है। और बंदरबांट तब होता है जब गायों की, जब जानकारी बंदरबांट के सामने आती है, जब यहाँ पर अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आती है और खबरें निकल कर बाहर जाती है और विपक्ष इस पर जो है निशाना साधता है। सामने आई है, क्या इसे देखकर लगता है कि गायों को यहां पर रखा जा सकता है? आप देखिए हालात कितने बदतर हैं। बिल्कुल काजोल, इस गौशाला के हालात इतने बदतर है कि सड़ा हुआ भूसा पड़ा है, कई दिनों का भूसा है, वहाँ पर कोई हरा चारा नहीं है और उचित व्यवस्था भी रहने की, वहाँ बैठने की, जानवरों की नहीं है, और इसके चलते यहाँ पर 24 गायों की मौत हुई है, एक दो नहीं, यहाँ पर 2 दर्जन गायों की मौत हुई है काजोल। तो कहीं ना कहीं रविंद्र, आप इस पर नजर बना के रखिएगा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तस्वीर इसकी दिखाएगा, क्योंकि इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है और आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाराबंकी की, योगी सरकार के बनाए गौशालाओं में गायों को ना तो यहां पर चारा मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है, सूखा चारा मिलता है जिसको खाकर गायों की जान जा रही है। कई पशु ऐसे हैं जो बीमार पड़ गए हैं, कईयों की जान चली गई है, उनके शवों को यूं ही फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से शव सड़ जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में वैसे ही यूपी डेंगू और वायरल बुखार से जूझ रहा है। तो इस वायरल वीडियो के बारे में SDM हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर ने बात की है, तो उन्होंने मात्र 8 गायों की मौत की पुष्टि की और वायरल वीडियो में गिनती की जा रही है मृत पड़ी 24 गायों की मौत और इसको झूठा बताया जा रहा है। वहीं ब्लॉक कर्मचारी की बात करें तो इस मामले पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में अव्यवस्था होने से आए दिन गायों की जान जा रही है, इन मरी हुई गायों को बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया जाता है और कई बार तो यूं ही फेंक दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में गौवंशों की हालत कितनी दयनीय है।
देहरादून में प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम हर युवा को रोजगार देंगे और इसलिए आज हम एक टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं। जो भी युवा बेरोजगार है वो इस पर मिस कॉल दे और उसका नाम हम दर्ज कर लेंगे, जिसके बाद से ही जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले उन युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तब तक उस हर युवा को एक भत्ता हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से युवा सिर्फ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं हमारा बेरोजगार युवा साथी अपने आप को ठगा महसूस करता है और युवा कांग्रेस लगातार इस पूरे 4.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के राज के दौरान, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे लोगों के संपर्क साधने की बात रही हो, चाहे राज्यपाल के घर का घेराव की बात हो या विधानसभा के घेराव की बात हो, हमारी युवा कांग्रेस और जो मुख्य हमारी यूनिट है कांग्रेस पार्टी लगातार उसके लिए संघर्ष करती रही है। आज दुख है इस बात का कि प्रदेश का हर चौथा युवा आज कहीं ना कहीं बेरोजगार नज़र आता है। ये एक ऐसी फिगर है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड को इसकी मार झेलनी पड़ी है। हम लगातार, चाहे वो युवा कांग्रेस हो चाहे हमारी मुख्य कांग्रेस हो, वो लगातार युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में त्रिवेणी घाट पर गंगा जी में दूध का अभिषेक कर जरूरतमंदों को फल बांटे। इस मौके पर अग्रवाल ने मां गंगा से प्रार्थना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें। तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन था। इस मौके पर देश के कोने कोने से शुभकामनाएं भी आ रही थी, साथ ही साथ देश के हर कोने में हवन पूजन किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना भी लगातार की जा रही थी। ऐसी ही तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम सब दे रहे हैं। माँ गंगा के पावन तट पर, जिस माँ गंगे से माननीय मोदी जी का बहुत प्रेम है, बहुत आगाध उनकी निष्ठा है, तभी उन्होंने गंगा जी को निर्मल करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमारे पूरे इस गंगा जी के लिए दिया। उसी गंगा के पावन तट पर हम सब लोग उनके दीर्घायु होने का, उनके यशस्वी होने का और उनके स्वस्थ होने का हम सभी ने दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया है। फल वितरण हम लोग कर रहे हैं जगह जगह हमारे पे। आज बहुत कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बहुत से लोग अनेकों स्थानों पे आज कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो मेगा वैक्सीनेशन है उस पर भी हम लोग सब लोग अपना अपने भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरा माननीय मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि 20 वर्षों से शायद देश का ऐसा पहला व्यक्ति होगा जिसने पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जन जन की सेवा करने का जो निश्चय लिया था, आज वो अराध रूप से और अविरल रूप से वो जारी है। जिस तरह से भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए आने वाले भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा, जो समाज की प्रतिस्मातक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। जो बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं के खिलाफ अपनी पुरानी सोच को बदलें, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। गौरतलब है कि गोरखपुर के विद्यालय महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज से कई लोग आगे बढ़े हैं। वहीं कृष्ण चटर्जी ने कहा है कि भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील बन चुकी हूं, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की जरूरत है। उन्हें शिक्षा और आजादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में भी अब भी और सहयोग की आवश्यकता है जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। महिला सशक्तिकरण का ये कार्य काफी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति उसकी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रगति पर भी निर्भर करती है। समाज का सबसे पहला आधार है जिसमें नारी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर नारी शिक्षित होगी तभी वो आगे समाज को बदल सकती है। अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो वो उसी परंपराओं को लेकर चलती रहेगी। परंपराओं को बदलना बहुत ज़रूरी है और इस विद्यालय में आकर हमने यही देखा कि यहाँ पर खाली शिक्षा पे ही नहीं और एक्टिविटीज़, यहाँ की लड़कियाँ NCC कर रही हैं, यहाँ की लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ की प्रिंसिपल मैम को और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को और उन परिवारों को भी जाता है जिन्होंने अपनी बच्चियों पे विश्वास करके, टीचर्स पे विश्वास करके इस स्कूल में उन्हें भेजा। शक्तिकरण की सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि महिला अशक्त नहीं है, उसको सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भारत माता की संतान है, माँ सरस्वती की आराधक है, देवी माँ को पूजती है, वो नारी भला अशक्त कैसे हो सकती है? और नारी जो माँ का स्वरूप है, माँ जो बच्चे की प्रथम शिक्षक, घर को संभालने वाली, वो कभी भी अशक्त नहीं हो सकती है। हाँ, जैसे कि समय समय पर हमको सबको याद दिलाना पड़ता है और शायद इसीलिए हमारे विद्यालयों की स्थापना हुई है। एक्चुअली पुण्यतिथि कवर पर हम उनकी प्रोग्राम करते हैं, पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्रशान ब्रह्मणी अभिनाथ महाराज जी के पावन तिथि होती है इस समय, और बालिका इंटर कॉलेज होने के नाते आज महिला को ही हमने मुख्य अतिथि एवं सदिव पे यहाँ पे इन्वाइट किए थे। विषय ही है कि कुछ प्रोग्राम के थ्रू माध्यम से हम लोग कुछ सीखते हैं, तो ये भी एक पावन पुण्यतिथि होने के नाते हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रोग्राम रखे थे। लेकिन सशक्तिकरण क्या है, हम लोग महिलाएं सशक्त थे, है, आगे भी रहेंगे, उनके लिए और भी जो जो कुछ करना है वो बालिका इंटर कॉलेज कर रहे हैं। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में इसीलिए वैदिक परंपरा को सामने रखते हुए, लक्ष्य में रखते हुए, पढ़ाई के साथ साथ बाकी खेल कूद, इवन आपका जूडो, कैराटे, ये सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे, ताकि ये लोग आगे बढ़े और जितना थोड़ा बहुत कमियाँ है अपना परिवार से या फिर समाज से मिला है उसको भी पार करके आगे बढ़ जाए और नाम करे। फर्रुखाबाद में रेलवे अंडरपास लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। रेलवे अंडरपास के नीचे एक फोर व्हीलर जा रही थी जो पानी में डूब गई। वहीं फोर व्हीलर में बैठे ड्राइवर और सवारी ने मौके से गाड़ी से बाहर निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आप देखें, रेलवे अंडरपास है और इस अंडरपास में पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है कि यहाँ से फोर व्हीलर ने निकलने की कोशिश की लेकिन वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई, बीच में ही वो फंस गई है। किसी तरह से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं और रस्सी से खींचकर गाड़ी को बाहर निकाला है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं, बारिश की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में बसपा शासनकाल में लगभग 1 करोड़ की लागत से बना शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आलम यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दशकों से टीन शेड के नीचे और बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। चित्रकूट के राजापुरा तहसील में स्थित राजकीय बालिका विद्यालय जो बसपा शासनकाल में 2008 में करीब 58.5 लाख की लागत से इंटर कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिली थी, जिसका UPPCL बांदा की कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य शुरू कराया था, वहीं बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होने तक 2009 में इस कार्यदायी संस्था ने अधिकारियों से साठगांठ कर निर्माण कार्य का पूरा पैसा निकाल लिया, जबकि बिल्डिंग का काम अधूरा पड़ गया है। ये बिल्डिंग आज तक ढांचे के रूप में खड़ी रह गई। लगभग 12 सालों में बिल्डिंग अब खंडहर के रूप में तब्दील हो गई है। बिल्डिंग के अंदर बने कमरों के दरवाजे और ईंट लोगों ने चोरी कर लिए, लेकिन आज तक ना तो इस बिल्डिंग की ओर विभाग का ध्यान गया और ना ही नेताओं का। ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। चित्रकूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, करोड़ों की लागत से ये यहाँ पर इंटर कॉलेज बनने वाला था लेकिन इंटर कॉलेज बनने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।